पाई बटन में आपको एक वीडियो मिलेगा, उस वीडियो को देख लो, 30 मिनट का वीडियो। उसमें एक ऐसी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी मैंने शेयर की है जो ना कभी आपने देखी होगी ना कभी सुनी होगी। 1 महीना ट्रेडिंग करके 20 से 22 दिन का ट्रेडिंग सेशन, उसमें सिर्फ आपको 1 से 2 दिन का स्टॉप लॉस लगेगा, बाकी डेली आपको प्रॉफिट। ऐसी फाड़ू, ऐसी खतरनाक स्ट्रेटजी आपने कभी नहीं देखी होगी। मेरा बिलीव करो, आपने ज़िंदगी में बहुत सारे टाइम वेस्ट किए, बहुत सारा आपने वीडियोस देखा, बहुत सारे आप पैसे वेस्ट किए, लेकिन अपने ज़िंदगी के 30 मिनट इस वीडियो पे लगा दो, मेरा वादा है कि आपकी ट्रेडिंग की जर्नी पूरी चेंज हो जाएगी। थैंक यू। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार, स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने ही चैनल इन्वेस्ट फॉर वेल्थ में। दोस्तों, फ्यूचर ग्रुप से जुड़ी हुई कई सारी न्यूज़ निकल कर आ गई हैं। आज तारीख 31 अक्टूबर, मंथ का लास्ट दिन, और आज ही 2-3 न्यूज़ एकदम से निकल कर आ गई हैं। बहुत ज़्यादा उलझ के रह गया है ये फ्यूचर ग्रुप का केस, तो आज दोनों तीनों न्यूज़ हम यहाँ डिस्कस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि मंडे को इस न्यूज़ का क्या असर होने वाला है। वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो फटाफट कर लीजिए दोस्तों, और बगल में ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इससे आपके फ़ोन में हमारे वीडियोस के सारे नोटिफिकेशन आते रहेंगे। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ, और अगर मैं प्राइजेस की बात करूँ फ्यूचर रिटेल की, तो आप देख पा रहे हो 71 रुपये 15 पैसे का प्राइस हमें देखने को मिल रहा है क्लोजिंग, और अगर ऊपर ये देखे तो 73 रुपये 31 पैसे तक गया था शुक्रवार को। तो अभी देखिए, जिस तरह से ये डिप पे डिप लगाया, पीछे जो न्यूज़ेज आई, जिस तरह से अमेजोन बिल्कुल पीछे पड़ गया है इस डील के, तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो देखिए, एक यहाँ पे डिप के बाद, यहाँ पे डिप के बाद, ये डिप के बाद थोड़ी सी हमें तेज़ी देखने को मिली है, फिर वैसे ही यहाँ पर तेज़ी आई, फिर यहाँ से गिरावट आई, मतलब थोड़े से ऊपर जैसे आता है, हो सकता है रिटेलर्स निकलते हों या फिर ऑपरेटर्स दबाव डाल देते हों। फिर ये डिप के बाद एक थोड़ी सी छोटी सी तेज़ी आई, अब देखते हैं ये तेज़ी कहाँ तक बनती है, क्या ये 78 रुपीज़ तक आती है या 78 रुपीज़ के भी ऊपर जाती है। तो चलिए चलते हैं पहले न्यूज़ की तरफ और देख लेते हैं कि आखिरकार न्यूज़ क्या है। तो देखिए, सबसे पहला न्यूज़ है जो थोड़ा सा अच्छा भी लग रहा है हमें, तो देखिए, फ्यूचर बिल्ड्स ₹1000 करोड़ वॉर जस्ट इन आर्बिट्रेशन बैटल विद अमेजोन। तो यहाँ पे 1000 करोड़ रुपए का जुगाड़ कर लिया है, किसने कर लिया है, बयानी ग्रुप का, बयानी जी के फ्यूचर ग्रुप ने। तो ये उन्होंने एक अलग अकाउंट में, स्क्रो अकाउंट में रख लिया है, यहाँ देखिए आपको दिख रहा है 1000 करोड़ इन एन स्क्रो अकाउंट एज द सेफ गार्ड मेजर। तो और अगर मैं बात करूँ न्यूज़ की, तो यहाँ पे देखिए, अमेजोन ने सेबी से फ्यूचर रिटेल की शिकायत, अमेजोन ने सेबी से कर दी है फ्यूचर रिटेल की शिकायत, और शेयर धारकों को गुमराह करने का उन पर इतना बड़ा आरोप लगाया गया है। अमेजोन कह रहा है कि वो अपने शेयर धारक को, अपने शेयर होल्डर्स को गुमराह कर रहे हैं। तो देखिए क्या न्यूज़ है, नीचे देख रहे हैं हम, अगर नीचे देखें तो अमेजोन ने सेबी से शिकायत की है कि फ्यूचर ग्रुप ने झूठ बोलकर शेयर धारकों को गुमराह किया है। अमेजोन और फ्यूचर ग्रुप के बीच पिछले कई महीनों से विवाद चल रहा है। अगस्त में फ्यूचर ग्रुप ने अपने रिटेल कारोबार मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड को लगभग $3.4 अरब में बेच दिया था। तो न्यूज़ को थोड़ा आगे लेके चलो, देखिए यहाँ पे हाईलाइट्स दिया हुआ है। अमेजोन और फ्यूचर ग्रुप का विवाद सेबी के पास पहुँचा। अमेजोन ने सेबी से फ्यूचर ग्रुप की शिकायत, झूठ बोलकर शेयर धारकों को गुमराह करने का लगाया गया है आरोप। तो अगर मैं नीचे देखूँ थोड़ा सा, ये तो वही है, आर्टिकल्स में स्टार्टिंग में सब ऐसे ही लिखा रहता है, सब कुछ वही है। तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे मेन पॉइंट क्या है, इस विवाद से ना केवल अमेजोन और फ्यूचर ग्रुप के रिश्ते ख़राब हो रहे हैं, बल्कि भारत और एशिया के सबसे अमीर शख्स मुकेश अंबानी का रिलायंस समूह भी शामिल है। रिलायंस समूह तेज़ी से अपने ई कॉमर्स को बढ़ा रही है, जिससे अमेजोन जैसी कंपनियों के लिए खतरा पैदा हो गया है। अमेजोन को इतना घबराने का जो मसला है ना, मेन मसला क्या है, अमेजोन क्यों इतना परेशान हो रहा है, देखिए अमेजोन का बहुत ही ज़्यादा बहुत बड़ा पकड़
ई कॉमर्स बिजनेस में इंडिया में है। इंडिया के लोग जिस तरह से शॉपिंग करते हैं, जिस तरह से हम कोई भी फेस्टिवल, कोई भी फेस्टिवल में जैसे कि दुर्गा पूजा हो गया, दिवाली हो गया, इस टाइम में जिस तरह से हम शॉपिंग्स करते हैं, कोई भी कंट्री इस तरह से नहीं शॉपिंग करती। मतलब सबसे ज़्यादा जो इसका मैं कहूँगा, सबसे ज़्यादा जो इसका रेवेन्यू आता है ना, वो इंडिया से ही आता है। तो इसलिए अमेजोन बौखला गया है कि ऐसा ना हो कि अमेजोन को भारत के मार्केट से हाथ धोना पड़ जाए। अमेजोन ने आरोप क्या लगाया, देखिए अमेजोन ने सेबी के चेयरमैन अजय त्यागी जी को बुधवार को एक चिट्ठी लिखा और फ्यूचर ग्रुप की न्यूज़ रिलीज और शेयर बाज़ार को दी गई जानकारी भारतीय कानूनों का उल्लंघन है, ऐसा बताया। जो न्यूज़ेस आ रही हैं फ्यूचर ग्रुप की और जो सेबी को न्यूज़ेस दी गई है टोटल, वो कह रहे हैं कि फ्यूचर ग्रुप ने कानून को ब्रेक किया है। अमेजोन ने बाज़ार नियामक से मामले की जांच करने, मतलब सेबी से जांच करने के लिए कह रही है, और कह रही है, देखिए सबसे बड़ी बात कह रही है कि सौदे को मंजूरी नहीं देने का अनुरोध किया है। कह रही है कि जो फ्यूचर ग्रुप और रिलायंस का सौदा चाह हुआ है, और सिंगापुर आर्बिट्रेशन ने तो इसमें रोड़ा खड़ा कर दिया है, अब जब तक भारत से नहीं इसका रोक लगेगा तब तक पक्का रोक से नहीं बोला जाएगा। तो अमेजोन ने हाई कोर्ट में भी अपील किया है, हाई कोर्ट से भी अपील किया है, वहाँ से भी वो रोक लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए इस बारे में फ्यूचर ग्रुप के और बयानी परिवार से भी पूछताछ किया गया है, लेकिन उनके जो प्रवक्ता हैं वो कोई भी टिप्पणी करने से भी बिल्कुल इनकार कर रहे हैं। तो फ्यूचर ग्रुप के एक सूत्र ने अमेजोन के आरोपों का खंडन करते हुए कहा है कि पब्लिक या शेयर होल्डर्स को धोखा देने का सवाल ही नहीं उठता है। अमेजोन के प्रवक्ता ने पत्र के बारे में टिप्पणी करने से बिल्कुल इनकार कर दिया है। तो एक तो न्यूज़ ये हो गई है। एक और न्यूज़ अगर हम देखें तो यहाँ पे देखिए सेम, देखिए ये जो मैंने न्यूज़ अभी बताया आपको, इसका अगर मैं डेट देखूँ तो ये देखिए, जब देख पा रहे 31 अक्टूबर 3 बजे आज ये न्यूज़ लगा था, और वहीं अगर इसको देखूँ तो आज सुबह 8 बजे ये न्यूज़ लगा था। क्या लिखा है देखिए, अमेजोन फ्यूचर ग्रुप में डिस्प्यूट हो गया है, दोस्ती के साथ दगाबाजी के लिए तैयारी। तो देखिए यहाँ पे जो जिस तरह से उन्होंने फ़ोटो दिया हुआ है, जेफ बेजोस और मुकेश अंबानी साहब, नीचे बियानी साहब, ये लोग हैं। तो देखिए यहाँ पे हाइलाइट्स हम पढ़ लेते हैं क्योंकि बहुत ब्रीफ में पढ़ने की जरूरत नहीं, मैं आपको वैसे ही बता दूंगा। फ्यूचर ग्रुप ने अमेजोन के साथ कानूनी लड़ाई के लिए पुख्ता तैयारी की है। देखिए अब तो सिंगापुर आर्बिट्रेशन से रोक तो लगी है, लेकिन वो कितना ज़्यादा स्ट्रांग है, जब इंडिया से नहीं रोक लगती ना तब तक वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं माना जाएगा उसके लिए। तो इसलिए वो अब कानूनी लड़ाई के लिए पूरा फुल तैयारी कर रही है। कंपनी ने इसके लिए हजार हजार करोड़ रुपए एक अलग खाते में रख लिए हैं फ्यूचर ग्रुप ने, और इसके बाद बढ़ाकर इसे 1500 करोड़ किया जा सकता है, इसे बाद में बढ़ाकर 1500 करोड़ किया जा सकता है। तो देखिए अब पूरी तैयारी में यहाँ पर फ्यूचर ग्रुप भी है, फ्यूचर ग्रुप भी पीछे नहीं हटने वाला है। तो ये अगला, पहले जो न्यूज़ हमने डिस्कस किया वो था अमेजोन किस तरह से तैयारी कर रहा है, किस तरह से रोकने की कोशिश कर रहा है, यहाँ फ्यूचर ग्रुप अपना किस तरह से सेफ कर रहा है वो हम देख रहे हैं। देखिए बिल्कुल न्यूज़ के बेसिस पे हम बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कुछ हवा में कुछ भी बोल दे कि हमारे अमेजोन में या फिर फ्यूचर ग्रुप में हमारे सूत्र हैं। कई यूट्यूबर्स को मैंने देखा है वो कहते हैं कि हमने अपने सूत्रों से पता किया है, हमारे वहाँ पे हमारे अपने आदमी बैठे हुए हैं। तो ऐसा कुछ नहीं, इतना बढ़ चढ़ के हम नहीं जाने वाले हैं, जो न्यूज़ आया सिर्फ वही हम डिस्कस यहाँ पर करते हैं। किशोर बयानी के फ्यूचर ग्रुप ने ई कॉमर्स के दिग्गज अमेजोन के साथ कानूनी लड़ाई के लिए पुख्ता तैयारी की है। तो ये डिस्कस हमने कर ही लिया, सूत्रों के मुताबिक 1000 करोड़ रुपए के एस्क्रो अकाउंट में रख लिया गया है। तो देखते हैं नीचे कुछ खास है, देखिए अमेजोन के पास क्या विकल्प है वो यहाँ पे दिखा रहा है। कानूनी जानकारों का मानना है कि अगर फ्यूचर ग्रुप रिलायंस के साथ डील पर आगे बढ़ता है तो इसे रोकने के लिए अमेजोन भारत के किसी भी कोर्ट में जा सकती है या सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर से जल्द सुनवाई की अपील कर सकती है। फ्यूचर ग्रुप ने 29 अगस्त को अपना रिटेल और होलसेल बिजनेस रिलायंस रिटेल को बेचने की घोषणा की थी। जैसे कि पहले हमने डिस्कस कर लिया कि हाई कोर्ट के पास अमेजोन जा सकता है, उसके पास यही चारा है और यही वो करेगा। तो बस इतना ही न्यूज़ था, अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा कि आगे क्या हो सकता है मंडे। तो भैया देखिए जो न्यूज़ का इफ़ेक्ट पड़ने वाला है ना,
वो कुछ न्यूट्रल सा रहेगा। क्यों न्यूट्रल सा रहेगा? क्योंकि अगर अमेज़न सेबी के पास जाकर कंप्लेंट किया है तो यहाँ फ्यूचर ग्रुप भी अपना बचाव के लिए कोशिश कर रहा है, और अभी सेबी की तरफ से कोई न्यूज़ निकल के नहीं आया है। सबको पता है कि अमेज़न कोशिश पे कोशिश तो करता ही जा रहा है। हाँ, फ्यूचर ग्रुप के लिए अच्छी खबर नहीं है, मैं मान रहा हूँ। जैसे कि पिछले वीडियो मैंने कहा था कि 60 रुपये तक जा सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हो सकता है सोमवार को इसमें थोड़ी सी गिरावट दर्ज की जाए और फिर दोबारा हमें 65 रुपये 68 रुपये 65 रुपये के लेवल को टच करता हुआ नज़र आए। अभी बिल्कुल भी मैं इसमें ख़रीदारी की कोई सलाह नहीं दे रहा हूँ, लेकिन हमारे पास अगर माल है तो मैं निकालने की भी सलाह नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर लॉस बुक करना हमारी सबसे बड़ी मूर्खता होगी। तो चलिए वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। होप करता हूँ वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है। अगर इन्फॉर्मेटिव लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।